हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरी विस्कोमीटर के बारे में, जिसको हम लोग ओस्टवाल्स विस्कोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी विस्कोमीटर जो होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ कैपिलरी विस्कोमीटर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो लिक्विड्स लेते हैं। एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता होती है, और दूसरा ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता नहीं है, जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को मेज़र करनी है। ठीक है, तो हम लोग दो लिक्विड्स लेते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो लिक्विड ए होता है ना, यहाँ पे ये जो ओस्टवाल्स विस्कोमीटर है, इसके अंदर वी हैव टू बल्ब। दिस वन इज़ बल्ब ए, दिस वन इज़ बल्ब बी। बल्ब बी पे दो मार्क्स होते हैं, एक मार्क यहाँ होता है इसके ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर मार्क, और ये जो नीचे एक मार्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मार्क। ठीक है, यहाँ पे होता है एक मार्क और एक मार्क यहाँ पे होता है। ठीक है, सो वी हैव टू मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो लिक्विड लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता है। ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग लेते हैं और उस लिक्विड को हम लोग यहाँ से इस विस्कोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तब तक ट्रांसफ़र करते हैं जब तक जो लिक्विड है वो, जब तक जो बल्ब है वो यहाँ तक लिक्विड से नहीं भर जाता। ठीक है, उसके बाद में जब बल्ब यहाँ तक भर गया, ठीक है, जब बल्ब यहाँ तक फिल हो गया लिक्विड से, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दूसरा वाला एंड है, यहाँ पे एक रबर ट्यूब लगा होता है। इस रबर ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड इसमें फ़िल किया हुआ है, ये लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो लिक्विड हम लोगों ने इसमें फ़िल किया हुआ है ना, तो इस रबर ट्यूब से हम लोग इस लिक्विड को सक करते हैं। जब इस लिक्विड को सक करते हैं तो ये जो लिक्विड है इसको हम लोग तब तक सक करते रहते हैं जब तक ये जो लिक्विड है ये यहाँ से, ये जो अपर मार्क है, अपर मार्क जो हमारा है, इससे थोड़ा सा ऊपर तब तक, जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम लोग इसको सक करते हैं। ठीक है, जैसे ये अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाता है, तब हम लोग इस लिक्विड को सक करना बंद कर देते हैं, सक करना छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण ये जो लिक्विड है, जो कि यहाँ तक हम लोगों ने सक किया है, वो वापस से डाउनवर्ड्स फ्लो होता है। ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो होता है, तो जब ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर होगा, पहले एप मार्क से यानी कि अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन ये जहाँ पे होगा वहाँ से लेकर के अपर पॉइंट में, जैसे ही अपर पॉइंट पे पहुँचेगा ना, जैसे ही अपर पॉइंट पे पहुँचता है वैसे हम लोग अपना स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं। ठीक है, अपर पॉइंट पे आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर था फिर अपर पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अपर पॉइंट से और नीचे जाएगा तो ये लोअर पॉइंट पे जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे जब अपर पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर था अपर पॉइंट से, अपर पॉइंट पे जब पहुँचा तो हम लोगों ने स्टॉप वॉच को चालू किया। ठीक है, उसके बाद में जो लोअर पॉइंट है, लोअर मार्क जो है, वहाँ पे जब पहुँचेगा तो हम लोग स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। ठीक है, और जो टाइम है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये सेम प्रोसेस जो है, हम लोगों को जो हमारा अननोन लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता नहीं है, उसके साथ करना है। ठीक है, उस सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो ये वाला एंड है, यहाँ से हम लोग को लिक्विड ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद में यहाँ जब तक ट्रांसफ़र करना है, जब तक ये जो बल्ब है ये लिक्विड से पूरा फिल नहीं हो जाता, बल्ब के यहाँ तक लिक्विड नहीं आ जाता। उसके बाद में लिक्विड ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे जो रबर ट्यूब लगी होगी उससे हम लोग को लिक्विड सक करना है। जब तक सक करना है तब तक कि जो लिक्विड है हमारा वो अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तक नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे ही हमारा लिक्विड जो है वो अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तक फिल हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग को सक करना छोड़ देना है। और फिर अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा अभी। अब अपर पॉइंट से जब अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, अब अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर से जब तक अपर पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेगा ना, ग्रेविटी के थ्रू डाउनवर्ड्स फ्लो होगा, तो जैसे ही अपर पॉइंट पे पहुँचेगा वैसे हम लोग को स्टॉप वॉच चालू कर देनी है। फिर उसके बाद में अपर पॉइंट से जैसे लोअर पॉइंट पे पहुँचेगा वैसे हम लोग को क्या करना है, स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। इस लिक्विड का भी हम लोग को क्या करना है, टाइम नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा नॉन लिक्विड था जिसकी विस्कोसिटी हमें पता थी, सबसे पहले हम लोगों ने उसका टाइम नोट किया कि उसको अपर पॉइंट से आने में, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट में आने में कितना टाइम लगा। उसके बाद जो हमारा अननोन लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता नहीं है, हम लोगों ने उसका टाइम मेज़र किया कि उसको अपर पॉइंट से आने में लोअर पॉइंट तक, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, दोनों टाइम्स हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, वी हैव अ फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये है नीटा वन इज इक्वल्स टू रॉ वन टी वन अपॉन रॉ टू टी टू इंटू नीटा टू। नीटा वन जो है वो विस्कोसिटी है उस लिक्विड की जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो उस लिक्विड की हम लोग विस्कोसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है रॉ वन यानी कि डेंसिटी उस लिक्विड की जिसकी हम लोगों को विस्कोसिटी पता नहीं है, टी वन यानी कि टाइम जो कि अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक आने में लगा उस लिक्विड को जिसकी हम लोगों को विस्कोसिटी पता नहीं है। ठीक है, रॉ टू जो हो जाएगी वो विस्को डेंसिटी हो जाएगी नॉन लिक्विड की, टी टू जो है वो टाइम जो कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में लगा नॉन लिक्विड को, और नीटा टू जो है वो विस्कोसिटी हो जाएगी नॉन लिक्विड की। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले से जो है वो हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे विस्कोसिटी उस लिक्विड की जिसकी विस्कोसिटी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ डिटेल में कैसे क्या करना है। ये हमारा मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है टेक क्लीन एंड ड्राई विस्कोमीटर। सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई विस्कोमीटर लेना है और उसको स्टैंड पे फिक्स कर देना है वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट वाला जो एंड है, जो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे होता है हमारा विस्कोमीटर ऐसे टाइप में। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पिपेट की हेल्प से ये वाला जो एंड है इसमें लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है। जब तक ट्रांसफ़र करना है जब तक ये बल्ब पूरा लिक्विड से भर नहीं जाता है। यहाँ पे पूरा फिर लिक्विड भर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिक्विड भर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो रबर ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक रबर ट्यूब होती है, मैंने बताया था यहाँ पे एक रबर ट्यूब लगी हुई होती है। रबर ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिक्विड हम लोगों ने फिल किया है ना, इस लिक्विड को हम लोग सक करते हैं। तो जो हमारा लिक्विड है ना, वो पहले यहाँ था, अब ये जो लिक्विड है ना, ये मूव करता 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 हम लोग को तब तक सक करना है जब तक कि जो लिक्विड है वो अपर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तक पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद में हम लोग को क्या करना होता है, देन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो डाउन। फिर हम लोग को सक करना छोड़ देना है। तो ये जो लिक्विड होगा, मतलब मोस्टली हम लोग जो नॉन लिक्विड होता है तो वाटर लेते हैं हम लोग उसको। तो मैं वाटर का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। जैसे हम लोगों ने वाटर को सक कर लिया, उसके बाद में सक करना छोड़ देंगे तो वाटर जो है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा। तो जैसे ये अपर पॉइंट पर पहुँचता है वैसे हम लोग को स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, और जैसे ये लोअर मार्क तक पहुँचता है वैसे हम लोग को स्टॉप वॉच बंद कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग को दूसरे वाले जो लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हमको पता नहीं है उसके साथ रिपीट करना है। और उसके बाद में टाइम नोट करके दोनों लिक्विड्स का हम लोग को जो विस्कोसिटी है अननोन लिक्विड की वो मेज़र कर लेनी है। ठीक है, सो इतना सा था, ये सब था हमारे ओस्टो विस्कोमीटर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।